टीवी सच साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। भावी प्रत्याशी जनता के बीच अपना पक्ष रख रहे हैं और अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के लोहिया नगर वार्ड के विकास नगर इलाके में पहुंची, जहाँ जनता से वार्ड के विकास कार्यों का जायजा लिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कूड़े उड़े की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? कूड़ा दरवाजे तक पड़ा। बात जो फॉगिंग वगैरह हुई नहीं भैया, छिड़काव वगैरह कुछ नहीं हो रहा, ना फॉगिंग हो रही। विकास नगर में कितना विकास हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब उनको पता ही नहीं कि विकास होना होना कि नहीं होना। क्षेत्र में पार्षद जी का निकलना होता कि नहीं? पता तो नहीं चला भाई अभी तक, कहाँ जाती हैं और कहीं जाती हैं। कैसे विकास यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कुछ समस्याएं हैं इस वक्त? ये सब समस्याएं कहीं सुनी नहीं जा रही हैं। महिला पार्षद हैं यहाँ की, 7 नंबर मकान अपना बना ली हैं बिल्कुल चमाचम करके। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां इस समय अब तेज हो गई हैं। निकाय चुनाव की इन सरगर्मियों के हलचल को मापने के लिए प्राइम टीवी की टीम आज लोहिया नगर वार्ड के विकास नगर कॉलोनी पहुंची है। विकास नगर के विकास के कार्यों को जानेंगे यहां के जनता के बारे में कि कितना विकास कार्य जो है इस वार्ड में हुआ है, क्या कुछ समस्याएँ इस वार्ड में अभी भी उत्पन्न हुई हैं या फिर अभी भी व्याप्त हैं। आप बताइए, आप ये इस वार्ड के निवासी हैं? जी जी। कितना विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ भैया, जैसे भैया थे तब कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, इधर तो कुछ नहीं हुआ। 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, दरवाजे दरवाजे गंदगी पड़ी हुई, जहाँ जाइए हर जगह गंदगी है, ना कोई पार्क में साफ सफाई हो रही। अब सब नालियाँ सब टूटी फूटी पड़ी धस गई हैं, सीवर मेन होल सब भरे पड़े हुए हैं, कुछ भी बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हो रहा, समझ लीजिए कुछ भी। वर्तमान में यहाँ के पार्षद या सभासद कौन है? जी ये मिथिलेश चौहान जी हैं। तो आप कैसा कह रहे हैं कि वो जनता की सुध नहीं ले रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइए कूड़े उड़े की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? कूड़ा भी दरवाजे तक पड़ा हुआ है, हर जगह दरवाजे पे दरवाजे तक कूड़ा पड़ा हुआ, सब नालियों भरी हुई है, ये हाल है समझ लीजिए, कुछ भी काम नहीं हो रहा। अच्छा ये बताइए, जैसे पूरे प्रदेश जो है पूरा प्रदेश डेंगू से परेशान था, लखनऊ जो है डेंगू से त्रस्त था, तो कितनी बार जो है लार्वा का छिड़काव इस एरिए में हुआ है और कितनी बार जो है फॉगिंग वगैरह हुई है? नहीं भैया, छिड़काव वगैरह कुछ नहीं हो रहा, ना फॉगिंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा काम जी। जब आप लोगों ने अपनी समस्याएँ यहाँ के जनप्रतिनिधि से कही, पार्षद जी से कही, तो क्या रिएक्शन था उनका? नहीं वो तो मिलते ही नहीं, जाइए घर तो है ही नहीं। अच्छा जी, और क्या, मिलना भी मुश्किल हो गया। हाँ मिलना भी मुश्किल हो गया, घर जाइए है ही नहीं, रात को मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे। अच्छा, समय हाँ, नहीं उनके पास जनता के लिए। जी आप ये कहना चाहते? जी बिल्कुल। तो चाचा ये बताइए कि विकास नगर के मोहल्ला है लोहिया नगर वार्ड लगता है, तो विकास नगर में कितना विकास हुआ? विकास हुआ भाई साहब, समझ लीजिए कि पहले तो बहुत बढ़िया हुआ था और आज कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ऐसी वो उनको पता ही नहीं कि विकास होना होना कि नहीं होना है। और पहले जो इन्होंने अखिलेश गिरी ने करा दिया, वो बहुत बड़ा काफ़ी काम हुआ था, उसी को वो समझिए भुना रही हैं। अखिलेश गिरी जी यहाँ से पहले से पार्षद थे? 5 साल पहले थे। अच्छा। 5 साल वो हैं अभी। अच्छा। मिथिलेश चौहान। अच्छा, 5 साल से मिथिलेश चौहान। हाँ मिथिलेश चौहान थे, फिर पहले अखिलेश गिरी थे। तो उन्होंने बहुत कुछ करा दिया, साफ सफाई थी, अब तो कहीं कुछ, अब देखे सामने देखे साफ सफाई कुछ ही नहीं, ऐसे ही गंदगी से पड़ी हुई है बस। तो इन्होंने कहा कि पार्षद जी के पास जनता के लिए समय नहीं है मिलने के लिए, तो कितना सच बोल रहे हैं, कितनी सच्चाई इनकी बात है? अब यह है कि अब वो तो जो मतलब गया उसको पता चलेगा, लेकिन समझिए यहाँ पर सफाई नहीं होती कि कभी शाम को आएंगे 5 बजे और कभी 12 बजे आएंगे, कभी सुबह आ जाते हैं, अब कुछ पता नहीं कब आएंगे, सफाई करें नहीं आएंगे इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्षेत्र में पार्षद जी का निकलना होता है कि नहीं, जनता से मिलने आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? अब पता तो नहीं चला भाई अभी तक, नहीं कहाँ जाती हैं, कहीं जाती होंगी, लेकिन यहाँ तो इधर तो नहीं आई, वो इधर नहीं आई, नहीं आई। अच्छा चाचा ये बताइए कि आप यहाँ के निवासी हैं, काफ़ी समय से यहाँ से रहते होंगे, ठीक है, तो विकास नगर में विकास कार्यों की क्या स्थिति है, कैसे विकास यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की? विकास कार्यों में असल में यहाँ के आदमी जो हैं उनको ये चाहिए साफ सफाई, बिजली पानी, हमारी समस्या सुनी जाए, लेकिन ये सब समस्याएं कहीं सुनी नहीं जा रही हैं। साफ सफाई का नाम तो कहीं है ही नहीं, फॉगिंग तो हमारा ख्याल बरसात में तो हो सकता है एक आध बार हुआ हो, लेकिन जब से ये डेंगू चिकनगुनिया चला है
तब से तो एको बार न लार्वा छिड़काव किया गया और न तो फागिंग ही हुई है। फागिंग होती है, दौड़ते भर 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 भगाते हुए गाड़ी अपना लेके चले जाते हैं, धुआं पता नहीं डीजल का रहता है, मिट्टी का तेल रहता है, दवाओं का कोई गंध नहीं आता है उसमें। अब पार्षद जी से, माननीय पार्षद जी जो हैं, उनके पास तक खबर जाता है वो कहाँ रहती हैं। कभी भी इस, हमारा ख्याल है कि ये दो तीन सेक्टरों में तो कभी कोई देखा या नहीं देखा। अब कहीं कहीं सेक्टरों में करती होंगी भाई, काम भी करती जरूर होंगी। यहाँ से महिला पार्षद हैं, महिला पार्षद हैं यहाँ की, वो जो है मिथिलेश चौहान जी हैं जो सेक्टर 7 में रहती हैं। पहले यहाँ इधर रहती थी कहीं, लेकिन अब तो सेक्टर 7 में मर मकान अपना बना ली हैं, बिल्कुल चमाचम करके वहाँ अपना खोलवा ली हैं। वो क्या है भाई, पोस्ट ऑफिस भी खुल गया है। नालियों की स्थिति यहाँ पे कैसी है? नालियों की स्थिति तो ऐसी है कि नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, सीवर जाम पड़े हुए हैं। कभी मशीन आ जाती है तो आ जाती है, कहीं मुद्दतों में आई होगी, आ करके जरा सा खपाची चला जाते हैं, और एक बार खुल जाता है फिर पता चला कि 10 दिन के अंदर फिर भर रहा पानी। नीचे वाले पोर्शन में तो हम सीवर भरा रहता है, लेटरिन सीट भरी रहती है, इससे बड़ी दिक्कतें होती हैं। पार्षद जी ने स्वच्छ जल की व्यवस्था वगैरह ऐसे कुछ कराई है? स्वच्छ जल की तो कोई व्यवस्था नहीं हुई भाई, पानी जो है गंदा भी आता है, शिकायत भी होता है, उसके बाद भी वो हो गया अपने आप से तो हो गया, सही नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यही सब बातें हैं भैया, और कोई पक्षपात लेकर के नहीं बोला जा रहा है, ये कि ऐसा पक्षपात लेकर के बोला जा रहा हो, ऐसा है हम लोगों के समझ में आ रहा है। जब हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है उनसे तो हम तो कहेंगे ही ऐसा। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र की जनता जो है वो वर्तमान पार्षद के ऊपर काफ़ी आरोप लगा रही है कि विकास कार्यों की अगर बात करें तो यहाँ पे ना ही छिड़काव फॉगिंग का हुआ है, ना ही एंटी लड़ाव का शिकार हुआ, ना फॉगिंग हो रही है, ना ही नालियों की स्थिति बहुत अच्छी है, सीवर वगैरह की भी स्थिति इन लोगों ने बताई, तो काफ़ी कुछ समस्याएं जो है इस वार्ड की जनता हमें इस समय बता रही है। कितना विकास हुआ है, लोहिया नगर वार्ड है ये, विकास नगर कॉलोनी है, कितना विकास हुआ है? विकास भैया कोई विकास नहीं हुआ है। जब ये वर्तमान जो पार्षद है हमारे, इससे पहले अखिलेश भैया पार्षद थे, तो आप भी विकास नगर में अगर देखेंगे तो जितने भी पार्क बने हैं, बाउंड्रियाँ बनी हैं, सभी में पत्थर इन्हीं के नाम का है। बाकी इधर 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है, ना पार्क में हुआ है, ना जैसे घर के बाहर जो नालियाँ हैं उसका भी कोई विकास नहीं हुआ है। मैंने खाली नाम का विकास नगर है बस। हाँ, नाम ही का विकास नगर कह सकते हैं आप, बस खाली नाम का विकास नगर, कोई विकास नहीं, कोई विकास। जैसे इन सभी लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, कहा कि सीवर की स्थिति बहुत बदहाल है, नालियों की स्थिति बदहाल है, कूड़े गले को नहीं आ रहा, तो कितनी सच्चाई है इन लोगों की बातों में? पूरी सच्चाई है। आए दिन मेरे वो सीवर हो जाते हैं जाम, फिर गाड़ियाँ आती हैं, आधा साफ करती है, आधा नहीं साफ करती हैं, और बाकी बरसात का पानी तो नाली में बहता ही नहीं है, हाँ रोडों से बहता है। बरसात का पानी जितना है पूरे विकास नगर में रोडों से ही बहता है, रोडों से ही बहता है। और बाकी कहाँ चला जाता है, राम जाने सीवर के अंदर जाता है, कहाँ जाता है? आप बताइए कि क्या कुछ समस्याएं हैं इस बार? बहुत सारी समस्याएं हैं। ये जो हमारे वर्तमान सभासद जी हैं, पर ये जो है हमारे यहाँ विकास नगर में छिड़काव नहीं हुआ, लोगों मच्छरों से इतनी समस्याएं हैं, और इससे 5 साल पहले जब अखिलेश भैया थे बहुत सारा विकास हुआ, अभी भी विकास का कार्य पद पे न रहते हुए भी जितना काम ये कर दे रहे हैं अखिलेश भैया, उतना काम जो है वर्तमान पार्षद जी ने नहीं किया है, नहीं कर पा रहे। अभी छिड़काव का था तो मच्छरों का ये जो छिड़काव होता है अखिलेश भैया के ही सौजन्य से था। इधर लाइटें नहीं जल रही थी, सब अखिलेश भैया ने करवाई। सीवर का
जो सीवर वाला काम था वो भी अखिलेश भैया ने ही करवाया, कई जगह पे उखड़े पुखड़े थे, सब भैया ने ही मनवाया। वर्तमान पार्षद जी किस लिए हैं? अब ये तो जो है सरकार बताएगी, जिसने टिकट दिया है और वो बताएंगी कि उनका काम क्या है। जनता ने ही चुना है ना, जनता ने पार्टी के नाम पे चुन लिया था, नहीं तो बेकार एकदम जीरो है, किसी काम की नहीं है वो। कभी क्षेत्र में आती हैं आप लोग के पास? कभी, हम तो उनको 5 साल हो गया देखे नहीं है, कैसी हैं वो देखे ही नहीं है ना, कभी मिली हैं। आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर हमारी जनता लेके जाती है तो क्या रिस्पांस? हमारे लिए अखिलेश भैया हैं, वो पद पे रहे या ना रहे लेकिन सुनते हैं वही, और जो है उनसे बढ़िया इस विकास नगर को छोड़िए पूरे लखनऊ में उनसे बढ़िया पार्षद कोई नहीं है। यानी ये बताइए कि आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान जो यहाँ के पार्षद हैं वो जो है क्षेत्र में नहीं निकलती हैं, ना ही जनता की सुध लेती है, ना ही कोई काम करा रही हैं जनता के लिए? जनता के हित में तो उनका कोई कार्य दिख नहीं रहा है। पार्क आप देखिए पूरे विकास नगर में 5 साल से जितने जर्जर हो गए हैं पार्क कि उसका सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। अभी भैया ने जो है 2-3 पार्कों में जो है काम करवाया है अखिलेश भैया ने। ये बताइए कि लोहिया नगर वार्ड है, ये विकास नगर कॉलोनी है, तो कितना विकास हुआ है इस पूरे वार्ड में और इस पूरे मोहल्ले में पिछले 5 सालों में? तो आप देखिएगा यहाँ के पार्क में जितने पार्क हैं सेक्टर 3 के 5 के और आसपास के, वहाँ पे ऐसे कूड़ा जमा हुआ है, घास पूरी एकदम इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, मच्छर है, नालियों में पानी एकदम बज बजा रहा है, मच्छर आपको दिखाई दे जाएंगे, कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ही से दिख जाएंगे। और रही बात कूड़े की, तो कूड़े वाले तो वैसे भी नहीं सुन रहे हैं, मिथिलेश चौहान के कार्यकाल में तो आप जाइए उनके घर पर दिन में नहीं मिलते हैं, वो रात में क्या मिलेंगे। किसी की ज़रूरत के समय भैया जो अखिलेश गिरी जी पहले रह चुके हैं, तो वो आप चाहे दिन में जाइए चाहे रात में जाइए, कोई भी समस्या हो आपकी पर्सनल हो या मतलब इस वार्ड से जुड़ी हो, तुरंत हल हो जाती थी, ये तो मतलब अटल सत्य है। अब की जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि चाहे वो पार्टी के नाम पे आएँ चाहे वैसे भी खड़े हो जाएंगे तो भैया ही आएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। यानी इतना जनता जो है वर्तमान पार्षद से त्रस्त है? त्रस्त है, मतलब ऐसा है कि अगर शायद अगर वो यहाँ कॉलोनी में किसी के यहाँ जाएंगी कि हमको वोट दीजिएगा तो शायद लोग उनको पीटेंगे इस समय, ये वाला हाल हो चुका है, इतना जनता त्रस्त है। मतलब आप अभी मेरे घर के खुद के बगल में अभी कल पाइपलाइन फटी हुई है, उसको कोई नहीं सुनने वाला है, और पानी ऐसे रोड पर पूरा बह रहा है, नालियाँ सब जाम हो रखी हैं, कूड़ा उठाने के लिए बोल दीजिए जमादार से तो वो कहता है कि हमारे पास सामान नहीं है कूड़ा उठाने का, और वो जितना उसको समझ में आता है उतना ही करके वो चला जाता है। और रही बात, इस समय फॉगिंग नहीं हो रही है, सबसे बड़ी सबके घरों में नहीं आ रही मशीनें, छोड़ दीजिए फॉगिंग होती ही नहीं है, वो मिथिलेश चौहान अपने घर के आसपास ही फॉगिंग कराती हैं, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, नालियों में पानी भरा है, ना वहाँ कभी चूना पड़ता है, ना वहाँ कभी सफाई होती है, और इतना इतना आदमी परेशान है। इस समय हमारे घर में खुद में डेंगू हो रखा है माता जी को, और क्या ही बता सकते हैं, फॉगिंग तो कभी होती ही नहीं है यहाँ पे, और जब भी भैया थे तो मतलब फॉगिंग तो जब समय समय पे होती ही रहती थी, सफाई भी होती रहती थी। आप बताइए कि क्या कुछ समस्याएं इस वार्ड की? बहुत समस्याएं हैं, हम घर घर में गए, सब घर में देखा, सबके नालियाँ जाम हैं और कूड़ा वूड़ा पड़ा था पूरा, कुछ काम नहीं हो रहा है, और अब चुनाव आने वाले हैं तो काम तेज़ी से हो रहा है, मिथिलेश चौहान जी अब तेज़ी से काम करवा रही हैं, लेकिन जनता सब जानती है, उल्लू नहीं है, कि अब काम कर रहे हैं, 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है, सब परेशान हैं, लोग घर में घर में जा रहे हैं, हम लोग गाली दे रहे हैं मिथिलेश चौहान जी को। क्या नाम है चाचा आपका? हरिश्चंद्र वर्मा। आप लोहिया नगर वार्ड के निवासी? हाँ, सेक्टर 3 यही विकास नगर। तो ये बताइए विकास नगर में कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ, 5 साल से तो बिल्कुल ठप है सब। नामे का विकास नगर है क्या? हाँ, नामे केवल रह गया है। और क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की, आप बताइए? समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे बताइए। सफाई भी ढंग से नहीं हो पा रही है, सीवर की भी समस्या है, पानी से भरता है तमाम, और इसके पहले ओवरफ्लो हो रहा है। हाँ, ओवरफ्लो हो रहा है, रोज आते हैं चले जाते देख के, यही सब समस्याएं हैं, काम वाम कुछ हो नहीं रहा। कोई काम नहीं हो रहा।
लोग ऐसा बता रहे हैं कि फॉगी वोगी भी नहीं होते हैं यहाँ पे, एंटी लार्वा छिड़काव नहीं होता। हाँ, छिड़काव भी नहीं हो पा रहा, हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा, सब न्यूट्रल है बिल्कुल। तो ये बताइए, पार्षद जी आती हैं जनता में, जनता के बीच? कभी नहीं आती हैं, कभी आती नहीं, बस वही वोट के समय आई थी, वोट के समय, उसके बाद नहीं दिखी, अब फिर वोट का समय आ गया है। हाँ, समय फिर आ गया, फिर आएंगी इस समय, तो वो पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या कर, क्या करेंगे, समय तो लोग आते ही हैं। हाँ, और क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की, आप विशेष बताइए आप। अरे इधर बता रहे हैं, पिछले 5 सालों में कुछ हुए रही है काम, लोग परेशान त्रस्त हैं। अच्छा, ये बताइए आपके मोहल्ले वगैरह में कूड़ा उड़ा लेने के लिए लोग आते हैं या फिर कूड़ा ऐसे ही जमा रहता है? आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी आते कभी नहीं आते। पार्क सब गंदे पड़े हुए हैं, पार्कों की भी सफाई नहीं होती ढंग से, कोई ढंग से देखने वाला है ही नहीं। तो ये था लखनऊ के लोहिया नगर वार्ड का, विकास नगर का पूरा इलाका हमने अपनी कवरेज में आपको दिखाया कि यहाँ पे कितनी जो है समस्याएं हैं। लोगों ने ये बताया कि किस प्रकार की समस्याएं से वो जूझ रहे हैं। यहाँ के पार्षद पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि वो जनता के बीच जो है ना कभी आती हैं, ना ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करती हैं। यहाँ पे ना ही फॉगिंग की सुविधा है, ना ही एंटी लार्वा का छिड़काव है, पार्कों में गंदगियाँ हैं, नालियाँ बजा रही हैं। तमाम समस्याओं को हमने अपने इस कवरेज में दिखाया। नगर निकाय चुनाव के इस नगर संग्राम की कवरेज को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। नगर संग्राम में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।